ये अभी आधे घंटे के बाद देंगे जो भी कुछ देंगे। थोड़ी क्या देंगे, फ्रूटी पियोगे? फूल बांध के जो फ्रूटी पियोगे। अभी पहला गेयर लगाया अपने, मर जाते अभी हम। Hey guys, good morning and welcome back to my new vlog. सुबह के बज रहे हैं 7:30 और जल्दी इसलिए उठ गया हूँ क्योंकि माँ का फ़ोन आया है और नीचे बुलाया है कि आज बड़मावस है, सो पूजा करनी है, नहाना धोना है, पहले पीते हैं पानी उसके बाद चलते हैं नीचे। सुना दो क्योंकि मैं रेडी और अभी चल रहे हैं गौशाला गायों को चारा खिलाने, तो मम्मी के साथ जा रहा हूँ, बाइक से जाएंगे। तो ये है दिल्ली देहात की गौशाला गांव किशनगढ़ में, अपने आसपास में दिल्ली देहात में सबसे बड़ी गौशाला है ये। बाइक को लगा देते हैं कि छाया में, 500 रुपये का चारा। बहुत बड़ी गौशाला है और जहां अभी हम जा रहे हैं ना, यहां पर सारी अंधी गायें हैं। सारी गाय अंधी हैं तो बस ये आवाज़ पर रिएक्ट करती हैं, तो चारा है अपना अभी डाल देंगे। लोगों को देखते ही उनके पास आ जाती हैं, उन्हें लगता है कि चारा लेकर आए हैं, बट भाई सॉरी हमने चारा खिला दिया आज, हेलमेट को नहीं सूंगा। अभी चल रहे हैं घर, थोड़ी सी गर्मी है ही भाई, बाकी आते रहते हैं, नेक्स्ट टाइम भी आऊँगा। कूलर लगाए हुए हैं गायों के लिए, यहाँ पे आपको यहाँ दूध भी मिल जाएगा, यहाँ गाय का दूध है 55 रुपये किलो। सो अगर आपके पास पड़ती है गौशाला तो आप यहाँ आके ले सकते हैं, और भी कुछ ताज़ा होगा और हरे चारे का होगा, ऐसा नहीं कि जो गाय बाहर सड़कों पर घूमती है उनका दूध है, बढ़िया दूध मिल जाएगा आपको यहाँ। सुबह उठ जाने के भी यार बहुत फ़ायदे हैं, आपके पास पूरा टाइम मिलता है। वैसे मैं रोज़ सुबह 10-10:30 उठता था, तो भाई वो 3 घंटे जो मेरे वेस्ट होते थे ना, वो आज मैं यूज़ कर रहा हूँ। सुबह से थोड़ा सा काम कर लिया है। अरे आपने चुटिया बनाई है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। दीदी ने कर दी। अब तो बहुत प्यारे लग रहे हो इसमें, पर इतने सुंदर सुंदर से। दो दो हॉर्न्स हो गए आपके, दो सींग है ये। आपको तो ड्रेस ही बहुत प्यारी लग रही है मुझे। जा रहे हो, चलो बाय बाय, लव यू। मुझे मोनिका का फ़ोन आ गया था कि हनी कुछ दिखाने आ रही है, कैमरा ऑन कर लेना, इसलिए मैंने कैमरा ऑन कर लिया। तो आज ने पहली बार चुटिया बनाई अपने, तो काफ़ी क्यूट से लग रही थी। अच्छा लगा देख के इसको। तो चौधरी आप देख तो नहीं रहे उसको, और इसने बनाई है आप शो वाली इतनी सारी, और देखो ये तो कुछ रंग भी ऐसा है, ऊपर से बाल भी ऐसे। सुबह अभी खाने में देखते हैं क्या बन रहा है। खाने में सब्जी, क्या बात है, तोरी वन ऑफ माय फेवरेट सब्जी। पसंद नहीं है तेरे को? बिल्कुल नहीं। मुझे तो तोरी बहुत पसंद है। पसंद क्या, स्वाद तो कुछ होता नहीं है, बस पेट भर जाता है बढ़िया सा, क्योंकि मिर्च ज़्यादा डालते नहीं है। अभी जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने, मुझे और भाभी को ही लगनी है, बाकी मम्मी को लग चुकी है और मोनिका को लगेगी नहीं क्योंकि उसको कोविड हुआ था, उसको 3 महीने बाद लगेगी। सो बाकी अंशु छोटी है और पना बाकी सब छोटे हैं। सो मैं और भाभी बसते हैं 18-45 की एज में। दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, लेकिन भाई गर्मी बहुत है, कार का एसी बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, मतलब अगर शीशे खोल दूँ ना तो बाहर मतलब आग लग रही है, ऐसा मौसम हो रखा है। अगर आपने या आपके परिवार में से किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाई तो जल्दी से लगवा लो यार, क्योंकि अब कई जगह पे ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अगर आप ट्रैवलिंग करेंगे तो भी आपसे वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट सरकार मांग सकती है। पहुँच चुके हैं मोलड़ बंद वैक्सीन सेंटर और अब नंबर है वैक्सीन लगवाने का। Like
इतना दर्द तो नहीं हुआ जितना मैं सोच। दोनों को लगी वैक्सीन और अभी जा रहे हैं रेस्ट करने रूम में, क्योंकि आधे घंटे बाद ही निकल पाएंगे यहाँ से। ये अभी आधे घंटे के बाद देंगे जो भी कुछ। हाँ आधे घंटे देंगे, थोड़ी क्या देंगे, फ्रूटी पियोगे, खून दान किया जो फ्रूटी पियोगे। तो प्रूफ देंगे। आपकी साइड कौन सी थी? चार पाँच। चार चार वाली इधर और पाँच वाले उधर। ठीक है, एक साथ नहीं बैठ सकते वो उनसे कह के आप इधर बैठ जाओ। A few moments later. 15 मिनट ऑब्जर्वेशन रूम में बैठ चुके हैं भाई, अब वापस आ गए दोनों जने। कोई दिक्कत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, हालांकि उन्होंने बोला है कि कोविशील्ड लगने के बाद हल्का सा बुखार वगैरह आ सकता है, बाकी जैसा होगा आपको अपडेट कर देंगे शाम तक। फिलहाल तो कोई भी दिक्कत नहीं है। वैक्सीन सेंटर के पास ही भाई मामा का घर भी है, तो सोचा कि यहाँ आ जाए। पहले आ गई, पहले लग रही है, दिखाऊं क्या पी रही है? ऐसे दिखाओ ना, ब्रांड दिखाओ ग्लास का। अच्छा ड्राइवर के लिए अभी हमने चेंज, अब भाभी चला रही हैं। अभी है तुगलकाबाद फोर्ट के आसपास और साथ में हमारा दो लोग और आ गए, रुद्र और पूजन। नाम भूल गया था। हाँ मैं नाम भूल जाता, भूमि पूजन। ऐसा हुआ कैसे पता है? कैसे? वैसे हुआ, हम गए थे दो आगे फालतू। सर जो मेरे मामा है ना वो पूजन के नाना है, अपने नाना के घर थी और मैं अपने मामा के घर गया था, सो हमारा घर एक जगह ही है, तो फिर लेकर आ रहे हैं, इसलिए हम सारे आगे, दो गए थे चार आगे वापस। तो अभी पहला गेट लगाया अपने, मर जाते अभी हम। तीसरा लगाया था, दूसरा लगाओ गेयर उधर, कहाँ देख रहे हो आप? चौथे के पास जितना पहला लगा दिया था मेरे ख्याल से, बच गए। कोई पीछे कार नहीं थी, क्योंकि कार होती ना तो भटाक से लग जाते हैं। बाय बाय बाय। रास्ते से ले आए थे भाई कचौड़ी खाने के लिए बाबूलाल की, हमारे यहाँ काफ़ी मशहूर हैं, सबने खाई हुई जो आसपास रहते हैं। अभी अंशु परम नहीं है तो ऊपर उड़ा रहे हैं पतंग दोनों जने, तो उनको बुला लेता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करेंगे खाना। अंशु परम नीचे आ जा। ये कितने की है? 3500 रुपए की। बैठ गई थी, खुद भी खाएगी, खाएगी तू? पूड़ी नहीं है ये, कचौड़ी है पूड़ी। फाइनली कोविड-19 की वैक्सीन लगवा लिया भाई मैंने और भाभी ने, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन भाभी को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। जब से आए थे घर हम 7 बजे, उसके बाद से लगातार सोई हैं, फिर खाना खा के फिर सो गई। सो बाकी जैसा होगा वो सुबह अपडेट बता देंगे। और मैं आपसे कह रहा था ना आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपको खैर पता ही है, लेकिन अभी रात के बज रहे हैं 12 और बाहर आ रही है बहुत अच्छे वाली तेज़ बारिश और बहुत तेज़ बादल गरज रहे हैं। आई होप पूरी रात बारिश हो जाए तो ठीक हो जाए, लेकिन जब मैं बारिश होती है और सोचता हूँ किसानों के बारे में ना तो बड़ा अजीब सा लगता है मुझे, वो परेशान हो जाते हैं, उनके टेंटों में पानी घुस जाता है। खैर एनीवेज अगर आपने व्लॉग यहाँ तक देख लिया है और अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर। और हाँ वैक्सीन लगवा लेना, अभी लग रही है। बाय बाय।